हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए टॉप 20 बायोलॉजी क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि है पार्ट 3। और अगर आपने बाकी के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे दोस्तों, तो गाइस फटाफट प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें भी देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप क्लास के क्वेश्चन मैंने कंसिडर किए हैं। तो बिल्कुल देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द रेड ब्लड कॉर्पसल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल, आंसर है इंक्रीज। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, जैसे पहाड़ पर चढ़ेंगे, किसी पहाड़ की चोटी पे आप ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो RBC का कंटेंट है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का, वो बढ़ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि RBC का कंटेंट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर अगर आप बहुत ऊंचाई पर जाते हो तो। इसीलिए कुछ लोगों को पहाड़ पर जाने से घबराहट हो जाती है, कुछ कुछ लोगों की सांस फूल जाती है, इस तरीके का जो कंडीशन होती ना, वो RBC की वजह से होती है, ठीक है। अब देखिए क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का रिच सोर्स क्या है दोस्तों, तो वो है मिल्क। मिल्क क्या है, विटामिन B12 का रिच सोर्स है, ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल। मतलब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों, तो ये आपको पता भी होगा, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक बार फिर से, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर पेयर बना दें इसका तो 23 का पेयर होता है, है ना, 23 का डबल 46, ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कितने पेयर होते हैं, और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या है, फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, ज़ेरोपैथेल्मिया इज़ अ डिफिशियंसी कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ। मतलब ज़ेरोपैथेल्मिया जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की डिफिशियंसी होती है, वो दोस्तों विटामिन A से होती है। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस ही बोलते हैं दूसरे नाम से, ये थोड़ा उसका दूसरा नाम है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस को जो बोलते हैं ना, रेटिनॉल वगैरह, वही, तो वो इसीलिए इसी को बोलते हैं, ज़ेरोपैथेल्मिया को, ओके, तो विटामिन A का है तो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को। अब देखिए फिफ्थ है, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। दुनिया का टॉप क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा आप कि भैया कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो मास्टर ग्लैंड दोस्तों बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत छोटी सी ग्लैंड है, ये मटर के दाने के बराबर होती है, माथे में होती है, बीच में जहाँ औरतें बिंदी लगाती ना अपने, यहाँ बिंदी, बस वहीं उसी सेंटर में थोड़े अंदर साइड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। यही वो रीज़न है कि पहले के टाइम पे जो पंडित जी लोग रहते थे, माथे पे ऐसे तिलक लगाते थे, चंदन का टीका लगा रहे हैं, कहीं कुछ का टीका लगा रहे हैं, वो काय के लिए लगाते थे, उसका मतलब रिलीजियस रीज़न ये था कि आपका वो माथा ठंडा रहेगा, ताकि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, वो मतलब कंट्रोल में रहेगी, थोड़ी मतलब गर्म नहीं होगी, दिमाग ख़राब नहीं होगा, इस तरीके का उनके थॉट थे, इसलिए वो लोग टीका लगाते थे, यही रीज़न था, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड, ओके, क्योंकि सारे काम वही करती है, इसलिए मास्टर ग्लैंड है। सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी एज। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड कैसे होता है बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी के अंदर दोस्तों। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, फालतू चीज़ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी भी चाहिए, ठीक। सेवन्थ क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय। मतलब जो डाइजेशन की प्रोसेस किस चीज़ की हेल्प से होती है, तो गाइज एंजाइम से होती है, एंजाइम की हेल्प से। एंजाइम बोले तो शुद्ध हिंदी में आप बोलेगा कि छोटे मोटे जो जर्म्स होते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, भी जर्म्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब फूलों के अंदर मतलब वो कीड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं, या धरती के अंदर होते हैं, या किसी जानवर के अंदर होते हैं, अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो कि अच्छे एंजाइम होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उनको बोलेंगे हिंदी में जीवाणु टाइप के, है ना, जीवाणु कीटाणु जो भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप शुद्ध हिंदी में याद रखिए कि डाइजेशन की हेल्प, डाइजेशन कैसे होता है, एंजाइम की हेल्प से, क्योंकि बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो भी अच्छे वाले, ये मान के चलिए। विच इज़ द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा ऑर्गन है
जो वाटर को निकालता है, फैट को निकालता है, वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट मतलब बहुत सारे जो भी वेस्ट वेस्ट इकट्ठा होता है उसको निकालता है। तो दोस्तों ये काम करती है किडनी, इसलिए बोलते हैं किडनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी ह्यूमन बॉडी का, और इसलिए लोग बोलते हैं ना किडनी किडनी बेच दो, किडनी खरीद लो। तो बहुत महंगी बिकती है ये, अगर ट्रांसप्लांट कोई करवाता है तो बहुत महंगी बिकती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरी बॉडी को एक तरीके से यही चला रही है। कुल मिलाकर यह है कि बॉडी का फिल्टर जो कर रही है ना वो किडनी कर रही है, एक ऐसी छन्नी टाइप की है एग्जाम्पल ऐसे, और जो भी कुछ वेस्ट आते हैं वो ऊपर ही ऊपर रुक जाते हैं और नीचे साफ साफ चीज़ें चली जाती है, और ये वेस्ट को यूरिन के थ्रू सीक्रेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखिए कि किडनी इन सब चीज़ों को रिमूव करती है, इन सब चीज़ों का फिल्टर लगाती है शुद्ध हिंदी में। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, ECG इज़ यूज टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ, ECG किस चीज़ के लिए यूज़ होती है दोस्तों, बस इतना पूछा है। तो वो हार्ट की स्टडी के लिए ECG यूज़ होती है, जो हार्ट रेट पता करने के लिए ECG नाम की मशीन को यूज़ करना पड़ता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टेंथ क्वेश्चन ये है, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, मतलब ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा दोस्तों, तो वो है नर्व सेल। कौन सा सेल है? नर्व सेल। तो वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन में आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखने को मिला, मतलब ये नहीं है कि मैं फटाफट बाकी लोगों की तरह यूट्यूब पर 100 वीडियो पढ़े हैं, टॉप 20, टॉप 100, टॉप 500 क्वेश्चन फटाफट पढ़ा दिए और फुर्सत, किसी को याद हुए समझ में आए नहीं आए उनको कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो आपका एक एक सेकंड यूज़ होना चाहिए, आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ओके, तो पढ़िए ध्यान से, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। ओके, 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका नाम है बायोप्सी टेस्ट। कैंसर के डायग्नोसिस, कैंसर का पता करने के लिए बायोप्सी टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप रट लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, 12th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वॉट इज़ द सब्सटेंट दैट इज़ यूजली लॉस्ट बाय द बॉडी, जब आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो कौन सा सब्सटेंट बॉडी लूज़ करती है, मतलब बॉडी से क्या निकलता है। तो गाइस बॉडी से तो मतलब पानी रिमूव होता है एक तरीके से, वाटर ही रिमूव होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, वो सोडियम क्लोराइड NaCl के फॉर्म में होता है, नमक के फॉर्म में होता है। इसीलिए जब आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आपकी शर्ट बिल्कुल ऐसी वाइट वाइट हो जाती है ना, क्योंकि वो जो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में जो वाटर निकलता है बॉडी से, आपके पसीना जो निकलता है, वो सफ़ेद सफ़ेद शर्ट इसीलिए हो जाती है, सफ़ेद धब्बे इसलिए बने जाते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड होता है आपकी वो वाटर के अंदर। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डिहाइड्रेशन तो होता है, तो मतलब बॉडी से पानी निकलता है, लेकिन पानी में नमक होता है वो वाला, इसलिए आपके शर्ट पैंट ऐसे धब्बे धब्बे बन जाते हैं, वाइट वाइट। ओके, अब देखिए क्या 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन है, द एनिमल विच यूजेस साउंड्स एज इट्स आई, ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपनी मतलब विच यूजेस साउंड्स, उसके साउंड को अपनी आंखों की तरह यूज़ करता है, तो वो है दोस्तों बैट। जो बैट होते हैं ना, बैट चमगादड़, वो मतलब साउंड की हेल्प से ही मतलब हर चीज़ को पता करते हैं कि सामने से कौन सा साउंड आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, उसके हिसाब से वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो आप शुद्ध हिंदी में ये बोल सकते हैं कि वो साउंड को अपनी आंखों की तरह यूज़ करते हैं। ओके, 14th क्वेश्चन क्या दोस्तों, देखिए, विच कंपोनेंट्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा कौन से कंपोनेंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वायलेट एंड रेड कलर है ना, क्लोरोफिल में कौन से कंपोनेंट एब्जॉर्ब होते हैं, तो वायलेट और रेड कलर के कंपोनेंट एब्जॉर्ब होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक, 15th क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द कॉलेरा बैसिलस, किसने कॉलेरा को डिस्कवर किया था, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। ठीक, तो ये किया था रॉबर्ट कोच ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कॉलेरा को किसने डिस्कवर किया था, DNA को किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले एनालिसिस किसने किया था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो रॉबर्ट कोच वॉज द मैन हु डिस्कवर्ड द कॉलेरा बैसिलस। ओके, 16th क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, अब आप बताइए कौन सा हो सकता है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी सबसे ज़्यादा जीता है, सबसे ज़्यादा, तो दोस्तों वो कछुआ जीता है, कछुआ बोले तो टॉर्टॉइस है ना, टॉर्टॉइस, तो ये 200 से 300 साल तक भी जीते हैं कछुआ, है ना, 200 250 साल तक तो जी जाते हैं ऐसा सुनते हैं। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है एनिमल में, वो होता है टॉर्टॉइस का। ओके, ये पता भी होगा आपको और इम्पॉर्टेंट है। 17th क्वेश्चन है, हार्ट अटैक ऑकर्स ड्यू टू,
हार्ट अटैक कैसे आता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ। इसका सीधा आंसर यह है कि आपके अगर हार्ट तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता है तो आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार फिर से, अगर आपके हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, अगर खून आपके हार्ट तक नहीं पहुंच रहा है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए बोलते हैं कि प्रॉपर खाना खाओ, प्रॉपर ऑयल यूज़ करो, प्रॉपर तेल खाओ, ज़्यादा पूड़ी भजिया नहीं खाओ, क्योंकि क्या होता है कि ब्लॉक हो जाती हैं आपके अंदर नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो फिर खून का फ्लो प्रॉपर हो नहीं पाता है, और जब ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा तो फिर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाएगी। यही रीज़न है कि इसलिए लोग मना करते हैं, डॉक्टर लोग, कि ये ऐसा तेल तेल वेल का कम खाओ। ओके, तो आप समझ गए होंगे। 18th क्वेश्चन है, अ पर्सन विल हैव ब्राउन आइज, ब्लू आइज और ब्लैक आइज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द, आंसर है आयरिस। देखिए गाइस, कुछ लोगों की आंखें ब्लू होती हैं, है ना, ब्लू होती हैं, कुछ लोगों की आंखें ब्लू, जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें थोड़ी ब्लू ब्लू हैं, ठीक है, कुछ की ब्राउन होती हैं, कुछ लोगों की ब्राउन आइज होती हैं, कुछ लोगों की ब्लैक होती है, ब्लैक तो मोस्टली लोगों की होती है। तो जो अलग अलग कलर होते हैं आइज़ के, वो क्यों होते हैं? ऐश्वर्या राय की आंखों का कलर अलग है, और ऋतिक रोशन की आंखों का कलर अलग है, आपकी आंखों का कलर अलग है, मेरी आंखों का कलर अलग है, तो वो दोस्तों आयरिस की वजह से होता है ना, आंखों के अंदर आयरिस आयरिस होता है, आयरिस की वजह से ये अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किसका आयरिस कैसा है। ठीक, 19th क्वेश्चन देखिए, कैरेट इज ऑरेंज, है ना, कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज, कैरेट ऑरेंज क्यों होता है कलर में, क्योंकि वो कंटेन करता है कैरोटीन को, है ना, ऑरेंज के अंदर कंटेंट होता है कैरोटीन होता है, कैरोटीन, इसलिए वो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ठीक है, कैरोटीन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं वो दूध भी थोड़ा थोड़ा वो येलोइश दिखता है ना, वो काहे के लिए दिखता है, क्योंकि वहाँ भी कैरोटीन होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और आप यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, मतलब बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो वो उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। ओके, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्टडीज़ पर क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इस तरीके की स्टडी आपको पता होना चाहिए। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ मेरी तरफ़ से इतना ही, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और प्रॉपर याद कर लें, और हाँ, रिविजन इज़ द की, बार बार रिवाइज़ करें तो याद हो जाएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको सच में अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वैल्यूबल कंटेंट मिला है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, सपोर्ट करिए और अप्रिशिएट करिए। थैंक यू सो मच।